Hello everybody, welcome to Quant Study. This is Mujasim Akhtar So today I have brought to you English lecture 2, which is based on tenses. Before this, I have already uh, uploaded one lecture that is also based on tenses. If you haven't watched that video yet, please go and watch that first and then come here uh, so that you can understand this lecture better. Okay, so first of all, you that lecture which is lecture 1 based on tenses. Apart from that, you guys might be knowing that. Your um, English for Finance Account Assistant is for 10 marks, right? So we are covering this section, and today is our lecture 2 based on tenses. So let's get started directly with the exercises. पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको समझाई थी तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप वो ज़रूर देखें यहाँ पर हम समझेंगे कुछ एक्सरसाइजेज ठीक है तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स एज डायरेक्टेड ठीक है सूटेबल वर्ब्स आपने यूज करने हैं जैसे आपको डायरेक्ट किया जाता है देखिए यहाँ पे आई डैश टू लेटर्स टू माई फ्रेंड इसको आपने करना आपको बताना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऑफ राइट सबसे पहले आपको समझना होगा कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है इसके रूल्स क्या हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है इट्स वेरी सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नाउ टेल मी व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट इज रोट ओके सो इट विल बी आई रोट टू लेटर्स टू माई फ्रेंड तो ये सेंटेंस जो है आई रोट टू लेटर्स टू माई फ्रेंड इट बिकम्स पास्ट इन ओके इट बिकम्स पास्ट इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स अभी देखिए यहां पे दूसरा क्या है आपके पास शी डैश अ ब्लू शर्ट प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ वियर यहां पे आपको बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स के हिसाब से हम चलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट ना वट इज दिस वी थ्री इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओके वी थ्री क्या है वी थ्री है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सबसे पहले तो हैज या है, है यूज uh, करना है अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हैव हैव यूज करना है या फिर हैज़ यूज़ करना है वो हम इस तरह से डिसाइड करेंगे हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है प्रोनाउन क्या है ठीक है इस इससे हम डिसाइड करेंगे कि हैव यूज़ होगा या हैज़ यूज़ होगा ठीक है आपके पास शी है ना शी है आपके पास शी क्या है शी है सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हमेशा याद रखना सिंगुलर आपके पास जब थर्ड पर्सन हो उसके साथ क्या यूज़ होता है हैज़ यूज़ होता है जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था पिछली वीडियो में यहाँ पे आएगा वॉन डब्ल्यू ओ आर एन वॉन क्योंकि वियर की वी थ्री जो है वो है वॉन मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वियर इज़ वॉन ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे आएगा शी हैज़ वॉन अ ब्लू शर्ट शी हैज वॉन अ ब्लू शर्ट अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि शी हैज़ वॉन अ ब्लू शर्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया आपका ठीक है अब यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चन थ्री द बॉयज़ डैश इन द शेड ऑफ अ बिग ट्री इसको बताना है आपको पास्ट इसमें बताना है आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस ऑफ सिट तो पास्ट कॉन्टीन्यूस ऑफ सिट के पहले रूल्स देख लेते हैं क्या हैं वो हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी नाउ okay. सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट तो बॉयज़ हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे इन द शेड ऑफ अ बिग ट्री अब यहाँ पर वॉज या वर्ड यूज़ करना है सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ये नोट डाउन कर लिया कीजिए जब मैं जब जब मैं बता रहा होता हूँ बाद में यहाँ पर इसको सॉल्व किया कीजिए ठीक है द बॉयज़ रूल्स मैंने आपको बता दिए बॉयज़ है ना यहाँ पे? तो ये क्या है थर्ड एक तो थर्ड पर्सन है और क्या है लेकिन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वॉज और वर में से हम क्या चूज करेंगे हम करेंगे चूज वर तो वर यहां पर यूज होगा क्यों क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है ठीक है सबसे पहले तो यहां पर वर आएगा उसके बाद और भी कुछ हमने यूज करना है ठीक है आ, वर प्लस यहाँ पे सिटिंग है ना सिट है ना इसको कन्वर्ट करना है हमें सिटिंग में क्योंकि मैंने आपको क्या रूल बताया सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर् प्लस वर्ब प्लस आई एन जी अब यहां पर वर्ब भी यूज होगा वो क्या है सेट और आई एन जी यूज करेंगे तो वर सिटिंग आएगा ना यहां पे वर सिटिंग तो ये कौन सा टेंस बन गया आपका ये बन गया द बॉयज वर सिटिंग इन द शेड ऑफ अ बिग ट्री ये बन गया आपके पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ओके जो सेंटेंस है पूरा का पूरा यह बन गया आपके पास पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नेक्स्ट देखते हैं अभी हम इंडियन द इंडियन सोल्जर्स डैश ब्रेवली इसको आपने प्रेजेंट इसमें आपने प्रजेंटिट इंडेफिन, इंडेफिनेट ऑफ फाइट बताना है सो वट विल डू हियर सबसे पहले हमेशा की तरफ़ हम रूल हमेशा की तरह रूल्स देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस ठीक है एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अब ये एस और ई एस का कॉन्सेप्ट भी पिछली वीडियो में मैं समझा चुका हूँ देखिए जैसे ही है शी है इट है इनके साथ क्या यूज़ होगा या कोई सिंगुलर नेम है इनके साथ क्या यूज़ होगा अगर फाइट है तो इसके साथ एस लगेगा जो वर्ब होगा ना तो मतलब जो हमने वर्ब यूज़ करना होगा तो उसके साथ एस यूज़ होगा अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है ठीक है अब अगर हमारे पास आपको पता है अगर आपके पास यहाँ पे क्या है द इंडियन सोल्जर्स ये क्या है सोल्जर्स क्या हैं ये है थर्ड पर्सन ये लेकिन ये क्या है प्लूरल ठीक है तो प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं सिंपली वही फॉर्म जो वो खुद है ठीक है तो यहां पर सिंपली आएगा द इंडियन सोल्जर्स फाइट फाइट ही आएगा यहां पे फाइट ब्रेवली ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट ऑफ फाइट अभी चलते हैं नेक्स्ट हॉट विंड डैश सिंस मॉर्निंग इसको बनाना है हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ ब्लो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के रूल्स भी मैंने बताए हुए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स क्या हैं सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन ठीक है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हेज़बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी ओके अब समझते हैं इस सेंटेंस को हॉट विंड डैश सिंस मॉर्निंग तो यहाँ पे हॉट विंड क्या है सिंगुलर है ना तो सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया कि हेज़ यूज़ होता है हैव यूज होता है प्लूरल के साथ आई के साथ भी हैव ही यूज़ होता है अदरवाइज प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है हैव और सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है हैज़ और बीन तो वैसे ही रहेगा आई क्या है हॉट विंड डैश सिंस मॉर्निंग तो आई के साथ आपको मैंने हैव बताया लेकिन यहाँ पे क्या है हॉट विंड डैश सिंस मॉर्निंग हॉट विंड क्या है यहां पे हॉट विंड आपके पास आ गया ये आ ये है आपके पास सिंगुलर ठीक है हॉट विंड क्या है ये है सिंगुलर तो हॉट विंड डैश सिंस मॉर्निंग हॉट विंड हैज बीन ठीक है हॉट विंड हैज बीन ब्लोइंग ठीक है यहां पर देखिए ब्लो भी लिखा हमने मैंने क्या रूल्स बताए थे आपको सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ठीक है तो ये रूल्स बताए थे ना मैंने आपको तो यही रूल्स के मुताबिक यहाँ पे आएगा हॉट विंड हैज़ बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग ये बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हु डैश एट द डोर पास्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ नॉक देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वाज़ प्लस या वर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी ठीक है तो यहां पर क्या कैसे हम कहेंगे हु डैश नॉक एट द मतलब हु डैश एट द डोर तो पास्ट कंटिन्यूस ऑफ नॉक बताना है तो यहाँ पे आएगा हु वॉज नॉकिंग एट द डोर ये हमने पहले भी एग्जाम्पल देख ली है ठीक है नेक्स्ट क्या है इट डैश रेनिंग बिफोर आई केम ठीक है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आपने यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट में आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है सिंपल यहाँ पे स्टॉप का जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या है स्टॉप्ड ठीक है तो यहां पे आएगा इट स्टॉप रेनिंग बिफोर आई केम ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं द टीचर डैश द बॉयज फॉर थ्री आवर्स व्हेन आई विजिटेड द स्कूल यहां पे आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब यहाँ पे पास्ट में क्या होता है सिर्फ एक चेंज होता है हैड बीन हर एक प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ यूज़ होता है हैड बीन ठीक है बाकी सब सेम रहता है एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ठीक है जैसे मैं बता देता हूँ आपको आई हैड बीन गोइंग ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ टीच बताना है तो द टीचर हैड बीन ठीक है टीचर के साथ भी हैड ही आएगा ये कभी चेंज नहीं होता इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड कभी चेंज नहीं होता ठीक है हैड हैड ही रहता है चाहे कोई भी प्रोनाउन हो चाहे कोई भी नाउन हो ठीक है हैड बीन तो द टीचर हैड बीन टीचिंग ठीक है आई एन जी वो तो आपको पता ही है, यूज होना है इसमें कॉन्टीन्यूस है तो आई तो यूज़ होना ही होना है अच्छा उसके बाद जो है द हंटर डैश अ डियर विद हिज़ गन ठीक है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ऑफ शूट बताना है देखिए मैंने आपको ये जो है पिछले वीडियो में फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ऑफ शूट भी बताया था अगर आपको ये आंसर्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं इसके आ, ये नाइन्थ वाला मैं आपको टास्क दे देता हूँ नाइन्थ और टेंथ ये आपको खुद करने हैं या फिर एक सेकेंड मैं आपको नाइन्थ वाला बता देता हूँ लास्ट वाला एक ही आपको कमेंट्स में बताना होगा अब देखिए यहाँ पे क्या है द हंटर डैश अ डियर विद हिज गन तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसके लिए जो है सब्जेक्ट प्लस शेल बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी यूज होता है ठीक है शेल बी या विल भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होगा देखिए द हंटर हंटर यहाँ पे क्या यूज होगा शेल बी बी शूटिंग द हंटर शेल बी शूटिंग शेल बी शूटिंग अ डेयर विद हिज़ गन ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लास्ट वाला जो है मैं आपको टास्क दे देता हूँ आप ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा एंड मुझे उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर